उपलब्ध है। ये नया टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका मीन्स मीडियन। दोस्तों ये मीडिया यहाँ पे लिखा है, इसे आप सही कर लो भैया, मीडियन। ये होता क्या है, देखो माध्यिका जैसे कि नाम से स्पष्ट है, माध्य माध्य मतलब आप सुने होंगे, इससे रिलेटेड संबंधित वर्ड मध्य। मध्य मतलब होता है बीच में। आपने सुना होगा अभी मोदी और ट्रंप के बारे में, मध्यस्थता के बारे में, है ना। भारत और चीन के बढ़ते विवाद में ट्रंप मध्यस्थता करेंगे, भारत और पाकिस्तान के जो मामला है उसमें ट्रंप मध्यस्थता करेंगे, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं। फिलहाल वो बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, इसके बात करेंगे जो हमारे काम की है। मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, वो भी विशेषकर त्रिभुज के बारे में बात करें। देखो अगर ये रेखा मैंने बनाया है, इसमें कहूँ कि इसकी माध्यिका खींचो, तो भैया ये अगर 4 सेंटीमीटर की है तो ये 2 सेंटीमीटर जहाँ पर होगी वही इसका क्या होगा, एक प्रकार से माध्यिका मान लो या मध्य बिंदु मान लो, ऐसे ही तो कुछ होगा ना। तो वैसे अगर हम बात करें त्रिभुज में, तो त्रिभुज में भी वही कहानी है, ठीक है। सबसे पहले आप इनसे परिचित हो जाइए, इनका नाम क्या है, लल्लू पंजू जो भी हैं, पी क्यू आर। हाँ ये भुजा क्यू आर है, ये पी आर है और ये पी क्यू है। अब देखो ध्यान समझो, जहाँ पर दोनों भुजाएं आकर के इधर से मिल रही, इसे शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। यानी ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, जिसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, VERTEX, वर्टेक्स, ठीक है। भुजा, भुजा मतलब ये जो लाइन है ये भुजा है, ये लाइन जो है भुजा है, ये भुजा है, ठीक है। भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, समझ गए ना। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु भैया इसका जो क्यू आर है, इसका बीचों बीच पे मिलना चाहिए। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से खींच के ला के यहीं सटा दो, यहाँ से यहीं सटा दो तो कह दो माध्यिका है, वो माध्यिका नहीं है, फिर कुछ और हो जाएगा। वो ये रेड कलर वाली माध्यिका है लेकिन ये माध्यिका नहीं है, ये ब्लैक कलर वाली माध्यिका नहीं है, समझ गए ना। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाती है वो माध्यिका कहलाती है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपकी ज़िंदगी में पूछा जाएगा कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएँ खींची जा सकती हैं, बोलो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएँ खींची जा सकती हैं। अरे कमेंट तो कर दो अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो, और ऐप में देख रहे हो तो कमेंट करने का टेंशन मत लो, सिर्फ नोट करो बस, कमेंट में टाइम वेस्ट ना करो, लेकिन YouTube वाले कमेंट करें। क्यों, क्योंकि YouTube पे कमेंट करेंगे तो अगले लोग भी देखेंगे, ऐप में तो हर कोई देख नहीं पाएगा ना। चलो तो भैया एक त्रिभुज में पहले ये बताओ शीर्ष कितने होते हैं, तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। हाँ त्रिभुज में 3 से अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, अगर 4 कोण हो गए तो चतुर्भुज हो जाएगा, त्रिभुज नहीं कहलाएगा। 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है, 3 भुजा होती है, तो भैया माध्यिका भी तो 3 होगी ना, समझ गए ना। तो इससे आप एक माध्यिका और खींच सकते हो, इसके मध्य बिंदु को मिलाएगी, एक माध्यिका आप यहाँ से खींच सकते हो, तीनों माध्यिकाएँ एक ही जगह पर काटनी चाहिए, समझ गए ना। आगे समझ में, इसका कोई नाम लिख दो, जैसे मैं लिख दूँ क्या A1, A2 और ये हैं भैया A3, ये त्रिभुज की A1, A2, A3 माध्यिकाएँ हैं, बात समझ गए ना। तो ये था माध्यिका, आप जल्दी से नोट कर लो फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और देखते रहें, पढ़ते रहें। चलिए वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।